खंडवा जिले के पुनासा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत जामकोटा में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामवासी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से आक्रोश में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नाली नहीं बनने से घर के सामने ही गंदगी रहती है, घरों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, बच्चे और बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, ग्राम में संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तो ऐसे ही कोरोना वायरस महामारी का डर बना रहता है, समस्या गंभीर है और गांव के जिम्मेदार जानकर भी अनजान है। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और सरकारी योजनाओं को पैसों में भी हेराफेरी कर हजम करने का आरोप भी लगाया है। ग्राम पंचायत जामकोटा में कराए गए सभी विकास कार्यों अपने आप जांच को दस्तक दे रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जनपद पंचायत के जिम्मेदारों को ध्यान देकर जांच की जाना चाहिए। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। नाले गंदे रहती है, बच्ची भी नहीं सकता, इतनी बेकार गंदा है कि कहें जाए। अच्छा। तो मच्छर भी पड़ा ना सब, हमारे बच्चे बीमार है। हाँ, बच्चा बीमार हो गया, अभी तो रोटी खाते तो बड़ा कम पड़ गया, बड़ा बड़ा मच्छर। और फिर तो इसके बारे में आपने माता सरपंच सचिव को बताया है? चार चार चक्कर ब्लड दिया हमारा। समस्या ये है कि लेटरिन बाथरूम का पानी पूरा स्कूल के सामने ग्राउंड में छोड़ दिया है, गड्ढा कर दिया है, प्लस वहीं पर ट्यूबवेल भी वही लगा है, वही पानी उसमें अंदर जिरा रहा है, वही पानी लोग पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं मच्छर। इस बारे में आपने सरपंच सचिव को बोला है 3 से 4 महीने से परेशान है, दौड़ते जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं हो रहा विकास। नाली आई थी, नाली की आधी बनाई और आधे पैसे खा गए सरपंच से। आपका नाम? मेरा नाम सोनू चौहान। पंचायत कौन सी लगती है? जामकोटा। भैया मैं ग्राम पंचायत जामकोटा से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना कुछ भी काम नहीं हुआ एक पैसे का भी। ये सरपंच सचिव पूरे पैसे खा रहे हैं। ये देख लो आप नाली का पूरा गंदा पानी ट्यूबवेल के अंदर जा रहा है, पूरा गांव पी रहा है। कोरोना काल में सब बीमार पड़ रहे हैं, सरपंच सचिव को जरा सी खबर नहीं है। प्लस यहाँ पूरे सरपंच सचिव का कहना है कि पूरे सरकारी जगह पे कब्जा करो ना, यहाँ आवास योजना मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। और सरपंच सचिव का कहना है केवल इतना कि केवल ये गांव की मजा लो, मैं इसके सामने सरपंच चुनाव लड़ा था, जो फिलहाल में सरपंच है उसका कहना यही है कि इस पुनर्वास पे कोई काम नहीं होना चाहिए। ये देख लो यहाँ की जगह पूरा गंदा पानी पूरा गांव पी रहा है। आपका नाम? अनिल राठौर। पंचायत? जामकोटा। समस्या आपके गांव में? समस्या यही हमारे गांव में, अब देखो नाली ये भरी है डबाडब, इसमें लेटरिन का पानी, बाथरूम का पानी, गांव का पूरा मंदिर के सामने कीचड़, मच्छर, मंदिर में कोई 2 घंटे बैठ नहीं सकता, शाम में आरती करने आते हैं। अच्छा। ऐसा है, गंद गया मंदिर पर अपन बैठे, बदबू कैसी आ रही है। सरपंच सचिव सबको बोल दिया है कि यहाँ के नली पानी बाहर करो, इसका निकाल गाँव के बाहर, बोल रहे हैं 2 महीने 3 महीने। अभी 1-2 महीने पहले सरपंच सबको बुलाया था हमने। अच्छा। उनने बोला कि भाई TSC पास हो गए, ये पास हो गए, पर अब करना नहीं चाहते तो क्या करें उसके लिए। आपका नाम? चंद्रगोपाल सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।